सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, मैं हूँ टंडेल। स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज मैंने ले ली है लाल वाली पालक। जी हाँ, मैं पहली बार खा रहा हूँ, पहली बार बना रहा हूँ। देखते हैं कैसे बनती है, मेरे साथ बने रहिए। जी हाँ, तो सबसे पहले मैंने उसे छोटे छोटे साइज़ में काट लिए, क्योंकि मुझे बनानी है कुछ ऐसी सब्ज़ी जो चावल के साथ भी खाए और रोटी के साथ भी खाए। जी हाँ, सबसे पहले जो काम है उसे धोना, जो हम अच्छे से धो लेंगे उसको, और धोने के बाद साइड में कर देंगे ताकि सब पानी उसे आउट हो जाए। जी हाँ, उसके बाद ले लिया है मैंने चॉपिंग बोर्ड और नाइफ़, और एक ले लिया है प्याज और एक टमाटर। चुटकी बज जाता है, दोनों का गेम ओवर कर दिया। और उसके बाद मैंने ले ली है दो हरी मिर्च, जिसको हम लोग चुटकी बजाते चॉप कर लेंगे। और उसके बाद अब बारी है कढ़ाई की। जी हाँ, मैंने ले ली छोटी सी कढ़ाई, जिसमें हम लोग ये भाजी को पकाएंगे। गैस को कर लिया है ऑन, कढ़ाई को रख दिया है गैस पे। पहले तो हम जीरा को भून लेंगे ताकि जीरे का जो फ्लेवर है वो एक्स्ट्रा हो जाए। उसके बाद उसमें डालेंगे तेल, तेल को ऑन करके हम लोग थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसमें प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से भूनेंगे। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद जो मेरी फेवरेट है वो डालेंगे हम लोग ग्रीन चिल्ली चॉप की हुई, वो ग्रीन चिल्ली को भी साथ में भून लेंगे। उसके बाद अब बारी है टमाटर की, और टमाटर का गेम ओवर करने के लिए हम लोग डालेंगे उसमें एक चम्मच नमक, जिससे टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाए। दोनों को साथ में अच्छे से पकाने के बाद अब बारी है लाल वाले पालक की। जी हाँ, ये लाल पालक को मैंने धो के ड्रेन कर दिया था, अभी उसमें डाल देंगे। उसके बाद अब बारी है मेरे मैजिक मसाला बॉक्स की, जिसमें से हम लोग कटोरी में ले लेंगे। कटोरी में हम लोग पहले हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, और स्पेशल गरम मसाला। जी हाँ, मेरा स्पेशल गरम मसाला डाल लिया, और ये सब मसाला उसमें ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से कुक कर लेंगे। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पालक है लाल वाली, इसे अच्छे से कुक करना है। मैंने उसके ऊपर ढक्कन रख दिया, ढक्कन के ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा पानी। पानी हम लोग ने इसीलिए डाला है ताकि थोड़ी जब ये भाजी पक जाए तो उसमें ऐड कर लेंगे। पानी ऊपर रखेंगे थोड़ा गर्म हो जाएगा। ये एक्चुअली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हो, उसे ड्राई बनाना चाहते हो तो पानी मत डालो, वो ड्राई बनेगी। मैंने ले लिया थोड़ा गर्म पानी, उसमें डाल लिया है ताकि वो अच्छे से थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। जी हाँ, मेरी यहाँ पालक अच्छे से पक रही है। लगभग बस 2 मिनट और पकाएंगे उसे, ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शनल लिया है। मैं उसके रोटी के साथ भी खा सकता हूँ और चावल के साथ भी खा सकता हूँ। ऊपर से थोड़ा ड्रेन डालेंगे, हमारी भाजी लगभग हो गई है। देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा चावल ले लिया है, रोटी ले लिया है, और ये हमारी लाल वाली पालक की सब्जी है। इसे बनाना तो बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। बस एक बार मेरा वीडियो देखकर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, ये ईजिली कुक हो जाएगी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सी वाली सब्जी पसंद है और कौन सी सब्जी आपकी फेवरेट है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और कमेंट लिखने के बाद आप ज़रूर लिखें आप कहां से लिख रहे हो और आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है, कौन सी फेमस सब्जी है, उसका वीडियो अपलोड करूंगा और बनाता रहूँगा और नए नए वीडियो। आज की जो हमारी डिश है वो है रेड पालक, रेड स्पिनिच। बहुत ही मशहूर है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है। आप नॉर्मल पालक जो खाते हो उससे बिल्कुल अलग है। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत आपको स्वादिष्ट लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। एक बार ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय।